छत्तीसगढ़ के रायपुर में आम आदमी पार्टी के टाउन हॉल कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की है। पिछले 5 महीनों में केजरीवाल की ये चुनावी राज्य की तीसरी यात्रा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी शरीफों की पार्टी है। मैंने किसी पार्टी को नहीं देखा जो कहे कि आपके स्कूल और अस्पताल बनवा देंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुट गई हैं। एक तरफ बीजेपी ने 21 सीटों में उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं अब आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए 10 गारंटी की घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आम आदमी पार्टी के टाउन हॉल कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की। पिछले 5 महीनों में केजरीवाल की ये चुनावी राज्य की तीसरी यात्रा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यहां आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम के लिए कुछ हॉल की अनुमति मांगी थी, जिन्हें सरकार ने कैंसिल कर दिया। इस बार आप लोग सरकार को ही कैंसिल कर देना। आम आदमी पार्टी शरीफों की पार्टी है। मैंने किसी पार्टी को नहीं देखा जो कहे कि आपके स्कूल और अस्पताल बनवा देंगे। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से हमने गारंटी देना शुरू किया है, बाकी पार्टी वाले भी गारंटी की बात कर रहे हैं। 15 लाख रुपए की गारंटी दी थी, क्या आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आ गए? ये झूठ बोलते हैं। इन्हें शुरू से पता है कि काम नहीं करना है। केजरीवाल की गारंटी और बाकी पार्टियों की गारंटी अलग अलग है। केजरीवाल की पक्की गारंटी है, दूसरे नेताओं की तरह गारंटी नहीं है। आम आदमी पार्टी को एक मौका दे दो, बाकी सारी पार्टियों को भूल जाओगे। तो चलिए अब बताते हैं कि केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ के लोगों को क्या 10 गारंटी दी हैं। तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने बिजली की गारंटी दी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे बिजली मिलेगी, उन्होंने ऐसा कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये मैजिक सिर्फ केजरीवाल को आता है। अमेरिका, इंग्लैंड, टोक्यो, फ्रांस में फ्री बिजली नहीं आती। दिल्ली और पंजाब के बाद 300 यूनिट तक छत्तीसगढ़ में फ्री बिजली देंगे। छत्तीसगढ़ में नवंबर तक के पुराने बकाया बिजली बिल माफ कर देंगे। अरविंद केजरीवाल ने दूसरी गारंटी शिक्षा की दी है। उन्होंने कहा कि ये लोग आपके बच्चों को अनपढ़ रखना चाहते हैं, लेकिन उनकी अच्छी शिक्षा की गारंटी मैं लेता हूँ। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल का बुरा हाल है। छत्तीसगढ़ में 10 क्लास में एक टीचर है। टीचर्स से टीचिंग के अलावा सारे काम करवाते हैं। सरकारी स्कूल शानदार बनाएंगे, प्राइवेट स्कूलों की लूट और गुंडागर्दी बंद करवाएंगे, कच्चे टीचर्स को पक्का किया जाएगा। उन्होंने तीसरी गारंटी स्वास्थ्य को लेकर दी है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में ना टेस्ट होते हैं और ना दवाइयां मिलती है। दिल्ली के किसी भी अस्पताल में मुफ्त इलाज होता है। आपसे आपका राज्य नहीं पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ में हर गांव और गली में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, सरकारी अस्पताल शानदार बनाएंगे और इलाज मुफ्त होगा। तो वहीं चौथी गारंटी केजरीवाल ने रोजगार की दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 12 लाख प्राइवेट नौकरी दी और 2 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं। छत्तीसगढ़ में हर बेरोजगार को रोजगार देंगे और हर बेरोजगार को 3,000 रुपए हर महीने भत्ता मिलेगा, बिना रिश्वत और सिफारिश के सरकारी नौकरी देंगे। तो वहीं पांचवी गारंटी महिलाओं को भत्ता देने की है। 18 साल से ज्यादा उम्र की महिला को हर महीने 1,000 रुपए बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। छठी गारंटी है तीर्थ यात्रा को लेकर। छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराई जाएगी, पूरा खर्चा सरकार उठाएगी, जेब से एक पैसा खर्च नहीं करना होगा। तो वहीं सातवीं गारंटी है भ्रष्टाचार मुक्ति की। जी हाँ, भ्रष्टाचार मुक्ति की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। भ्रष्टाचार खत्म करके पैसा आएगा, छत्तीसगढ़ में सरकारी दफ्तर में काम करवाने नहीं जाना पड़ेगा, प्रमाण पत्र घर बैठे बन जाएंगे। आठवीं गारंटी शहीदों के लिए है। पुलिस या फौज में शहीद होने वाले जवानों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। उन्होंने ठेका प्रथा बंद करने की गारंटी दी है। यानी कि केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा करते हुए कहा कि संविदा और ठेका प्रथा को बंद किया जाएगा। संविदा कर्मियों और अनियमित कर्मचारियों को रेगुलर और नियमित किया जाएगा। किसानों को लेकर उन्होंने कहा कि आदिवासियों को गारंटी दी जाएगी। केजरीवाल ने 10वीं गारंटी किसान और आदिवासी समाज के लोगों के लिए दी है, जिसका ऐलान बाद में किया जाएगा। तो आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।